सब फैन बॉक्स में कागज भरे दोस्तों सबसे पहले, ताकि उसमें मसाला ना भरा पाए। पेपर खड्डे जो भी आपके पास व्यवस्था हो वो कर लें। फिर मोड़ के जहाँ अपना सेंटर है वहाँ पे कागज लगा लें। उठाकर राड के बीच में अच्छे से फंसा लें। ठीक है दोस्तों, हमने सेंटर निकाल के फैन बॉक्स लगा दिया है। अब हम छेद मारते हैं इसके आजू बाजू। ये हमारा होल पाइप है। व्यवस्थित छेद मार ले, चारों तरफ ड्रॉप में छेद उतारना है, ड्रॉप उतारना है छेद मार के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करिएगा, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर आपकी श्रद्धा अनुसार वीडियो शेयर कर दीजिएगा। डिब्बिया लगाना है, डिप बॉक्स बोलते हैं जिसे। ठीक है दोस्तों, एक हम यहाँ लगाएंगे एक, और दूसरी हम यहाँ लगाएंगे तीन, और एक तीन एक सेंटर में लगाएंगे झूमर के हिसाब से वहाँ पे। फिर उस तरफ भी ऐसे एक दो और तीन हमें ये लगाना है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको वीडियो बताता हूँ आगे प्रोसेस कैसे क्या क्या करना है हमें, फिर मैं आपको पूरे वीडियो बना के दिखाता हूँ दोस्तों। ये है दोस्तों हमारा बैक साइड, ये हमारा वॉश एरिया रहेगा जिसमें हमने एक लाइट उतारा है, ये देख सकते हैं। और ये ड्रॉप उतार दिया है इस तरफ, एक डिब्बी लगा दी है पीछे साइड में, और एक ड्रॉप हमने यहाँ उतारा है। ठीक है दोस्तों, ये ड्रॉप इस रूम पर जाएगा। अब चूँकि हमारा ये लेड बाथ है, इसके ऊपर बॉक्स बना हुआ है, तो हमने बीच सेंटर में एक डिब्बी लगा दी है, एक ड्रॉप उतार दिया है गीज़र ईज़र के पॉइंट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और एक डिब्बी ये लगा दी है। बस ध्यान इतना रखिएगा कि जब हम पाइपलाइन चलाते हैं, देख सकते हैं आप हमारी पाइपलाइन पूरी सीधी सीधी जा रही है। ठीक है दोस्तों, और उधर जाके एमसीबी बॉक्स में सामने हम एमसीबी बॉक्स देंगे, वहाँ चली जाएगी। ठीक है, और ड्रॉप देखिएगा हमने व्यवस्थित छेद करके उतारे हैं, क्योंकि यहाँ बॉक्स है इसलिए हमने इस तरफ नहीं उतारे हैं,
उस तरफ उतारे हैं दोनों ड्रॉप। ये हमारी डिब्बी देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, ये बेडरूम है, इसलिए हमने इतना ही किया है। ठीक है, इसमें हमने छः लाइट दिए हैं, एक और एक दो और एक ये तीन। ठीक है, ड्रॉप हमने एक ये उतार दिया है ताकि हमारी लाइन इधर से इधर मिले और वहाँ पे होल्डर भी लग जाए। एक ड्रॉप हमने इधर उतारा है ताकि इधर से इधर हो जाए और ये लाइन हमारी सीधी चली गई। वहाँ पे भी हमने तीन डब्बियाँ जो उतारी, एक दो और एक सेंटरिंग के नीचे है, तीन डब्बियाँ। ठीक है दोस्त, ये हमारा किचन है, इसके ऊपर 37 इंच का बॉक्स है जो हमने यहाँ पे एक डिब्बी डाल दी है जो कि बॉक्स के ऊपर रहेगी। हमने ड्रॉप इधर के बराबर उतारे ताकि लाइन हमारी वायर जो सर्किट है सीधा सीधा चला जाए। ठीक है दोस्तों, ये फैन बॉक्स से मिलाते हुए हमने उस रूम में उतारा, उस रूम से वो उतर गया है और वहाँ से सीधी सीधी देखिए वो रूम में चली गई है। वहाँ से अब वो हॉल है हमारा सामने का फ्रंट का, जिसमें हम पाइपिंग कर रहे हैं, छत की पाइपिंग लगा रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, हमने ऐसा ही किया है। ये ड्रॉप हमने बराबर पसंद उतारे हैं। ड्रॉप याद रखिएगा ज़्यादा बड़े ना हो, जो कि बाद में हमें पाइपिंग झीरी करते हैं तो उसमें बड़ी परेशानी होती है। और ये हमारा दूसरा उतर गया दोस्तों। और ये डिब्बी हमने जो लगाई है ये इस रूम में मिलाने के लिए लगाई है। ये हॉल है इस बड़ा सा, एक डाइनिंग रूम टाइप का, यहाँ पे खाने की व्यवस्था के लिए हिसाब से डाइनिंग रूम है। और ये हमारा गली है, जो कि गली में एक लाइट दिया हुआ, और ये हमारा बॉक्स है और उस तरफ भी हमने उतार दिया है। यहाँ पूजा रूम है, पूजा रूम के हिसाब से हमने वहाँ पे छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं हमने ये लाइन भी ड्रॉप भी बराबर इधर से इधर सीधी सीधी लाइन मिला दी है। यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स है जो कि हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं उतार पाए हैं। ठीक है, जो कि हमने इस डब्बी से मिला दिया है। डब्बी से मिलते हुए हमारी लाइन सीधे बाहर की ओर निकल जाएगी, देख सकते हैं, जो कि हम वो फैन बॉक्स से एक ड्रॉप इस तरफ उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, एक ड्रॉप हमने ये उतारा है, एक ड्रॉप ये उतारा है। ये यहाँ पे देखिए एक छेद मारते हैं और ये मिलाते हैं। यहाँ पे तीन डब्बियाँ लग जाएगी, लगी हुई है, एक वो तीन सामने और तीन सबसे फ्रंट में। ये है दोस्तों हमारा फ्रंट, जिसमें हमने तीन लाइट दिए हैं, देख सकते हैं आप। और तीन लाइट ये एक दो तीन उसी नाप पे, देख सकते हैं सब नाप बराबर आएगा। फैन बॉक्स सेंटर में, ड्रॉप इधर उतार दिए, ये तीन डब्बियाँ बराबर, और ये सीधी सीधी लाइन देखते जाइएगा लाइन। ये ड्रॉप हमने इधर उतारा है, ये सीधी सीधी लाइन सब बराबर बराबर में, ड्रॉप देखते जाइएगा कि हमने कैसे लाइन उतारी है। ये देखिए सीधा सीधा, कोई तकलीफ़ नहीं है, पीछे तक चला गया। ठीक है, ये एक ब्लॉक का हो गया। ड्रॉप चारों तरफ उतारे, एक हमने ये उतारा है, एक ड्रॉप हमने इधर से मिलाते हुए वो उस तरफ उतर गया। ठीक है, अब ये बेडरूम देखिए, यहाँ पे छत पे डाला है। अब डालते हुए हमने एक ड्रॉप हमने इस तरफ उतारा, ये सेंटरिंग रखी हुई है, ये हमारा फैन बॉक्स हो गया सेंटर का, ये एक ड्रॉप और एक ड्रॉप ये। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये रूम में हमने लगाए हैं 6 लाइट। ठीक है, ये हमारा पोर्च हो गया बैक साइड का। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये बांधते समय इनको डिब्बियों को अच्छे से तार से कसिएगा। ठीक है दोस्तों, तार से कसने पे इधर उधर भगती नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियाँ चलती हैं इसके ऊपर, जो लिफ्ट मशीन चलाती हैं, उसके बाद जो धकेल के गाड़ी चलाते हैं, हाथ ठेले टाइप का जो रहता है, क्या बोला जाता है, हाथ गाड़ी, वो चलाते हैं, उससे पाइप फूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन ये पाइप फूटेगा नहीं, क्योंकि हमारा क्राउन का 2.5 mm का पाइप है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, और ये हमारा बैक साइड का लाइट हो गया। ये हमने यहाँ से सीधी लाइन इस रूम में मिला दी। ये हमारा पीछे साइड का एक ड्रॉप हमने ये खड़ा कर दिया, और एक एयर ड्रॉप ये खड़ा कर दिया। ठीक है दोस्तों,
राइजर बोलते हैं जिसे, ये राइजर हमने ये खड़ा कर दिया ताकि क्या है भविष्य में यहाँ पे कुछ बने, लेटरिन बाथरूम आराम उसका वाटर वेल का, तो यहीं से कनेक्शन होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इस तरफ बनेगा तो इस तरफ आ जाएगा। और बैंड देखिए हमने कहाँ कहाँ उतारे हैं, ये देखिए एक ड्रॉप हमने ये उतारा। अब ये लाइन देखिएगा, ये मिलाते हुए हमने इस तरफ की, उस तरफ की रो तो हमने आपको बता दी है, अब ये रो देखिएगा। ये देखिए ड्रॉप हमने इस तरफ से इस तरफ उतारे, चारों तरफ मिलाना है। कैसे मिलाना है, इनको टेढ़े नहीं रखना है, इनको मात्र ऐसे सीधे के सीधे रखना है। देखिए दोस्तों, सीधे रखने में हमें बाद में पाइप लगाने में तकलीफ़ नहीं जाती है, अगर ज़रा से टेढ़े तिरछे होते हैं तो बाद में हमें बहुत पाइप लगाने में दिक्कत जाती है। ये देखिए ये हो गया हमारा इस रूम का, ये हमारा डाइनिंग रूम है। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ आते आते ये देखिए, और ये हमारा हॉल, हॉल में देखिएगा सब बराबर बराबर दूरी पे दिया गया है, पाइप सब सेम, डीप बॉक्स सब सेम लाइन पे दिए। देखिएगा ये एक, ये दो, और वो लास्ट में तीन, और वही हिसाब से एक दो और ये तीन, और ये देखिए एक दो और ये तीन। और हमने टू वे के लिए पॉइंट देखिएगा कैसे बनाया, हमने जीने पे भी लाइट डाली है, ये देखिए, जो कि नीचे से जब लगाएंगे हम लोग तो इस पर लाइट जलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ड्रॉप हमने उतारे हैं, और ये हमने टू वे बनाया है, ये देख सकते हैं आप, ये टू वे, ये घूमा, ये लाइट के लिए खड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये घूमते हुए हमारा इस तरफ जहाँ नीचे यहाँ बोर्ड लगेगा, तो इसके हिसाब से। मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगे, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। जय बालाजी।